हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने समाजशास्त्र का जितने भी पूरे हम लोग के पीएससी में सिलेबस है मेंस का, उसको हम लोग एक एक कर कवर करते आ रहे हैं, और उसी में आज मेरा ये वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया, परिस्थितियाँ और भूमिका के ऊपर। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग का जो होगा वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने 3-4 इसमें टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले भी मैंने समाजशास्त्र को वीडियो अपलोड किया था। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं पूरा एकदम सरल भाषा में, ताकि ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यदि हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे, ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया का बात यदि करेंगे तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि समाज में जो व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह के मध्य जो भी क्रियाएं होती है, जो भी अर्थपूर्ण क्रियाएं होती है, जिससे कि वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है हम लोग का सामाजिक अंतःक्रिया। क्लियर, क्या बोला कि समाजों में है ना, व्यक्तियों के समूहों में एक दूसरे के मध्य जो भी अर्थपूर्ण क्रियाएं होती है, जिसे वो एक दूसरे को क्या करे, प्रभावित करे, है ना, तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं अंतःक्रिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पास समाज में हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया बोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब समझते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर, ठीक है, तो क्या बोला कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति के मध्य जो भी अंतःक्रिया होंगे उसको हम लोग अंतःक्रिया नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो है संबंध वो स्थापित हो पाए। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर अंतःक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब यहाँ कहने का है कि अंतःक्रिया तभी शुरू होगी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे है सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है, क्या है, तो सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण, याद रखिएगा यहाँ क्या बोला है, अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, वे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करेंगे। ठीक है, करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं अंतःक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अंतःक्रिया की कुछ दशाएं होती हैं जिस हिसाब से अंतःक्रिया कार्य करती है। ठीक है भाई, किसी न किसी दशा में तो कार्य होना है, जिस दशा में कार्य होंगी जिससे वो एक दूसरे के मध्य स्थापित करेंगे संबंध, है ना, तो वो क्या होगी, एक दशा होगी, जिस दशा में वो जो है स्थिति वो कार्य करेगी, है ना, तो उसी को बोला गया है सामाजिक अंतःक्रिया की दशाएं। ठीक है, तो समझते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की कौन कौन सी दशाएं होती है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए दो आधारभूत आवश्यक दशाएं बताई है। ठीक है, मतलब जो अंतःक्रिया स्थापित होती है समाज में, सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है उसके मुख्य रूप से दो दशाएं होती है। ठीक है, एक होता है सामाजिक संपर्क और एक होता है संचार। ठीक है, तो सामाजिक संपर्क कहने का मतलब यह है कि जो समाज में व्यक्तियों के मध्य या फिर समूहों के मध्य जो भी अंतःक्रिया स्थापित होंगे, वो मतलब समाज की दशा के ऊपर वो डिपेंड करेगा, है ना, समाज में जो भी स्थिति है, दशा है, उस हिसाब से वो एक दूसरे में क्या करेगा, संपर्क स्थापित करेगा, अंतःक्रिया स्थापित करेगा। ठीक है, अब दूसरा है संचार, तो संचार के माध्यम से क्या करेगा कि एक व्यक्ति द्वारा जो भी संचार के माध्यम से एक दूसरे को जो भी बताया जाता है, वो व्यक्ति भी उसी संचार को अपने जो है वो संचार में अगर समझे, है ना, जिस हिसाब से मैं बोला हूँ उस हिसाब से यदि वो व्यक्ति भी समझे तो उसको क्या बोला जाता है, संचार बोला जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आगे अपना आ जाता है कि जो सामाजिक संपर्क होता है, ठीक है, तो सामाजिक संपर्क भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और एक होता है अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क।
क्लियर। तो सामाजिक संपर्क दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? तो एक होता है प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और एक होता है अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क। क्लियर, समझते हैं। इसे प्राथमिक संपर्क भी कहा जाता है, जो कि प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क होता है उसको प्राथमिक संपर्क भी कहा जाता है। इसमें अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों या फिर समूहों में आमने सामने के संबंध होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का है, जो ये प्रत्यक्ष जो सामाजिक संपर्क होगा, स्थापित होगा, वो क्या होगा कि इसमें अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों या फिर कोई भी समूह हो सकता है ना, तो उसके आमने सामने के संबंध स्थापित होंगे, है ना। और ये जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा, इसमें घनिष्ठता एवं निकटता अधिक पाई जाएगी, है ना। कंपेयर किससे करेंगे, तो अप्रत्यक्ष से करेंगे। तो ये जो प्रत्यक्ष होता है, इसमें जो है वो घनिष्ठता एवं निकटता अधिक पाई जाएगी। क्लियर, तो ये हो जाता है हम लोग का प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क क्या होता है। तो अब देखते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क द्वितीयक संपर्क या फिर अव्यक्तिक संपर्क भी कहा जाता है इसे, है ना। क्या कहा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क को प्राथमिक संपर्क की मान्यता दिए थे, उसी प्रकार से जो ये अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क होता है उसको द्वितीयक संपर्क या फिर अव्यक्तिक संपर्क की संज्ञा दी जाती है। मतलब इसमें जो है वो व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध, निकटता वाली संबंध नहीं पाई जाती, है ना। तो इसलिए ये जो है वो अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे है, अप्रत्यक्ष संपर्क में व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते, है ना। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ बात किए थे, वहाँ क्या होता था, एक दूसरे के आमने सामने होते थे दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, और दोनों के मध्य संपर्क स्थापित होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क जब होती है, तब वहाँ पास व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे के आमने सामने वो व्यक्ति नहीं होते, है ना। वे कुछ माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक है। जैसे कि वे पत्र, तार, टेलीफोन या संचार के किसी अन्य साधन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। क्लियर, तो ये हो जाता है हम लोग का अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि संचार क्या होता है। अब संचार को देख लेते हैं। संचार का अर्थ है कि अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरे तक पहुंचाना, है ना। तो ये क्या होता है, संचार कहलाता है। मतलब कहने का है कि किसी व्यक्तियों द्वारा, है ना, किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूहों द्वारा अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों और विश्वासों आदि को दूसरे तक पहुंचाने की जो माध्यम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संचार बोलते हैं, ठीक है। संचार का जो अर्थ हम लगाते हैं, है ना, संचार का जो अर्थ हम लगाते हैं वही अर्थ दूसरा भी लगाता है, तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, यही क्या कहलाता है, हम लोग का संचार कहलाता है, ठीक है। मतलब जिस माध्यम से, जिस सोच समझ से मैं उसको, जो भी संचार के माध्यम से उसको मैं भेज रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ, अब जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं समझ के बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से यदि वो व्यक्ति भी उस बात को, उस चीज़ को समझे, तो ये क्या होता है, संचार कहलाता है। क्लियर, आगे है, संचार में शब्दों, प्रतीकों, संकेतों, मुख मुद्रा या भावों का विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी प्रतीक होते हैं, कोई भी एक प्रतीक होता है, संकेत होता है, मुख मुद्रा होता है, जो भी हाव भाव होते हैं व्यक्ति के, है ना, तो उस प्रकार से इसमें क्या होता है, बहुत विशेष महत्व दिया जाता है, जिससे कि संचार स्थापित एक दूसरे से हो सके। क्लियर, तो ये हो जाता है संचार, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया के दशाएँ को समझा, है ना। दशाएँ कितने थे, दो दशाएँ थे, एक तो है सामाजिक संपर्क और दूसरा क्या होता है हम लोग का, संचार। क्लियर, तो ये दोनों हो जाता है हम लोग का कंप्लीट। अब चलिए आगे बात करते हैं, अब समझते हैं हम लोग परिस्थिति, है ना, जो कि परिस्थिति जो होती है वो किस तरह से पद का सूचक माना जाता है, है ना। मतलब कह सकते हैं जो कि परिस्थिति होती है वो क्या है, पद का सूचक है। मतलब किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह को एक
पद के हिसाब से उसको मान्यता देना, उसको समझना, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, परिस्थिति होती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, तो परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद का सूचक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये परिस्थिति क्या होती है, व्यक्ति का समाज में कितना महत्व है उसको दर्शाता है, उसके पद का सूचक है, है ना। यह पद व्यक्ति को या तो स्वतः मिलता है या व्यक्ति अपने गुणों योग्यताओं के आधार पर समाज में इसे अर्जित करता है, ठीक है। तो जो परिस्थिति होती है वो क्या है, वो क्या है, पद का सूचक है, जो कि किसी व्यक्ति को यह पद या तो स्वतः मिल जाती है या फिर वो अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार उसको अर्जित करता है, है ना। तो ये हो जाती है परिस्थिति, ठीक है। आगे है, एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव दूसरे व्यक्ति की तुलना में होती है, है ना। मतलब जब हम लोग परिस्थिति की बात करेंगे तो परिस्थिति का तुलना कैसे करेंगे, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना आगे है या फिर कितना पीछे है, है ना, कितना उसका महत्व है समाज में और उस व्यक्ति का कितना महत्व है समाज में, है ना। तो एक दूसरे को कंपेयर करके ही परिस्थिति को निकाला जाता है, समझा जाता है, ठीक है। जैसे कि शिक्षक साथ छात्र, है ना, मतलब शिक्षक का जो पद होगा समाज में और एक छात्र का जो पद होगा समाज में, तो ये क्या है, पद का सूचक होता है, है ना, वो भी योग्यता गुणों के हिसाब से, है ना। तो ये हो जाता है हम लोग का शिक्षक और छात्र। और आगे बात करेंगे तो ये आ जाता है डॉक्टर और नर्स का, है ना। तो ये हो गया हम लोग का परिस्थिति, ठीक है। तो परिस्थिति में आगे बात करते हैं, सामाजिक परिस्थिति के प्रकार समझ लेते हैं कि समाज में जो परिस्थिति भी होती है, क्रिएट होती है, बनती है, वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो परिस्थिति की बात अगर हम लोग समाज में करेंगे, सामाजिक परिस्थिति के प्रकार देखेंगे, तो उसमें दो भागों में इसे विभक्त किया गया है, ठीक है। तो सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो वह भाग जो प्रदत्त परिस्थिति होती है, मतलब ऐसी परिस्थिति हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो परिस्थिति होती है वो क्या है भाई, पद का सूचक है, है ना। तो जो भी पद का सूचक होगा वो पद उसको कैसे मिलेगा, या तो प्रदत्त मतलब दिया गया होगा या फिर वो अर्जित करेगा, है ना। तो यही चीज़ तो है हम लोग का सामाजिक परिस्थिति के प्रकार में, तो दो भाग में इसे बांटे हैं, एक होता है हम लोग का प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा होता है अर्जित परिस्थिति, ठीक है। एक होता है प्रदत्त परिस्थिति मतलब जिसको दिया गया हो, उस व्यक्ति को दिया गया हो, और अर्जित परिस्थिति मतलब वह व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार से उसको अर्जित करता है, है ना। तो परिस्थिति दो प्रकार के होते हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक होता है अर्जित परिस्थिति, ठीक है। अब समझते हैं कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो प्रदत्त परिस्थिति की यदि हम लोग बात करते हैं, तो समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है, ठीक है। मतलब कहने का है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों को ध्यान में ना रख के वो उसको स्वतः ही उसको प्रदान कर देते हैं, है ना। इसमें उसके जो भी पद होंगे, है ना, गुण होंगे, योग्यता होंगे, उसको नहीं देखा जाता, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है, और वो ऐसे ही उसको स्वतः ही वो पद दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम समाज में प्रदत्त परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती है, ठीक है। मतलब कहने का है, जो आधुनिक समाज में अभी जो चल रहा है वर्तमान में समाज, उस हिसाब से यदि हम लोग आदिम समाज की बात करते हैं, तो आदिम समाज में जो ये परिस्थितियाँ होती थी वो ज़्यादातर से उसको स्वतः दे दिया जाता था उस टाइम पीरियड में, है ना। जैसे मुखिया का है तो मुखिया का बेटा ही मुखिया बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो परिस्थिति उसको दे दिया जाता था, वो भी बिना योग्यता और गुण देखे, है ना। तो ये हो जाता है हम लोग का प्रदत्त परिस्थितियाँ, है ना। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे कि लिंग भेद करना, आयु भेद करना, नातेदारी, जन्म जाति और प्रजाति, है ना। तो इस अनुसार से ये सभी परिस्थितियों को रखा जाता है, ठीक दोस्तों, जो कि समाज में उसको स्वतः ही दे दिया जाता है बिना योग्यता देखे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हम लोग का प्रदत्त परिस्थिति कहलाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अर्जित परिस्थिति के बारे में, ठीक है। तो आगे है हम लोग का अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति क्या होता है कि ये सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है ना,
मतलब व्यक्ति इसमें क्या करता है, अपनी जो भी अंदर में गुण है, योग्यता है, उस आधार पर इस पद को प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं अर्जित परिस्थिति। एकदम सीधा सीधा शब्दों में बात करें तो ये अर्जित परिस्थिति क्या होती है, अर्जित मतलब लेना, प्राप्त करना। तो वह व्यक्ति या फिर वह समूह जो अपनी योग्यता के हिसाब से इस पद को प्राप्त करे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्जित परिस्थिति बोलते हैं। क्लियर। अब पढ़ते हैं, तो एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थितियाँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है ये। तो एक हो क्या हो गया हम लोग का, एक होता है प्रदत्त परिस्थिति और एक होता है अर्जित परिस्थिति। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो अर्जित जो परिस्थिति होती है उसको जो व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का समूह वो प्राप्त करता है, अर्जित करता है अपनी योग्यता के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में देख, तो ये जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये यह संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, राजनीतिक सत्ता, उपलब्धियों आदि पर क्या होता है, आधारित होता है, जो कि व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार उसको प्राप्त करता है, अर्जित करता है ना। तो ये हो जाता है हम लोग का प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, अब परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक कुछ तत्व होते हैं उसको समझ लेते हैं, जो कि हम लोग के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो परिस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, पहला एक है समाज के सांस्कृतिक, ठीक है, समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा निर्धारण। तो ये जो परिस्थिति में और जो भूमिका में आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कैसे निर्धारित होते हैं, तो वो समाज के सांस्कृतिक कारकों और जो भी मूल्य होते हैं उस हिसाब से उसके द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे है इसे दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में समझा जाता है। तो ये जो परिस्थिति और जो भूमिका होती है उसको क्या समझा जाएगा, तो जो भी व्यक्ति होंगे उसको उस पद को कैसे दिया जाएगा, तो उसको दिया जाएगा कि एक व्यक्ति उस पद के बारे में या फिर उस व्यक्ति या फिर उस समूह के बारे में क्या समझ रहा है, कितना उसके काम का चीज़ वो साबित हो रहा है ना, मतलब जो भी उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, तो वो उसको देखेगा, उस हिसाब से क्या करेगा, उसको वह पद दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे है अलग अलग ढंग से निर्वाह। तो अलग अलग ढंग से क्या होते हैं, निर्वाह होते हैं, तो जो परिस्थिति होती है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से पाई जाती है, जो वो व्यक्ति उसको निर्वाह करता है। ठीक है, आगे है प्रत्येक स्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक परिस्थिति और भूमिका क्या होती है, व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से या फिर जो स्वतः दिया जाता था, जैसे कि आदिम समाज की जैसे हम लोग बात किए थे, है ना, तो उस प्रकार से क्या होता है कि जो प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होता है। ठीक है, पूरा भाग ना होकर केवल एक भाग ही होता है, जिसके हिसाब से उस व्यक्ति को उस समाज में पद स्थापित, मतलब पद उसको प्रदान किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आगे है हम लोग का प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करते आए हैं कि व्यक्ति को पद कैसे दिया जाता है, तो उसकी योग्यता को देख कर दिया जाता है, उसकी निर्योग्यता को देख कर दिया जाता है ना, तो इस हिसाब से उसको मान सम्मान दिया जाता है और उस हिसाब से उसको पद भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला गया है कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समाज में कुछ परिस्थिति प्रदत्त होती है और कुछ अर्जित होती है। जैसे कि हम लोग ने बात करते आ रहे थे कि जो समाज में जो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो कि आदिम समय से उसको दिया जा रहा है, वो भी बिना योग्यता देखे, और एक परिस्थिति ऐसी होती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार से उसको प्राप्त करता है। तो ये परिस्थितियां क्या होती है, समाज में कुछ परिस्थिति प्रदत्त होती है, दिया गया होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, आगे है एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है। ठीक है, तो बोला गया कि जो एक व्यक्ति या फिर समूह जो होता है वो एक ही समय में एक से अधिक परिस्थितियों को धारण करता है, लेकिन सामान्यतः वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर सकता।
ठीक है, मतलब कहने का है कि व्यक्ति पद तो धारण कर लेगा, एक से अधिक पद तो धारण कर लेगा, लेकिन वो व्यक्ति क्या होगा कि प्रत्येक जो भी पद होंगे उसको वो भली भांति तौर से निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोला गया है परिस्थितियों में कुछ जो भूमिका होती है आवश्यक तत्व होते हैं उसको, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि जो भूमिका होती है वो क्या होती है, ठीक है, चलिए भूमिका समझते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग भूमिका समझ लेंगे, क्योंकि जो मेरा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल में नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना सहयोग प्रदान करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।